यू कैन सी, ये कुछ इस तरह की ग्री। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग साथ ना शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ट्यूटोरियल जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जिन्होंने अपने फेस को अभी शेव करना शुरू किया है या वो अभी घबरा रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोग से ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोग ब्लीचेस यूज़ करते आए हो अपने फेस के जो हेयर्स हैं उनको गोल्डन करने के लिए, तो आपको वो स्टॉप कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ब्लीच होते हैं अकॉर्डिंग टू मी वो आपकी स्किन को सिवाय हार्म करने के या नुकसान पहुँचाने के सिवाय आपकी स्किन के ऊपर कुछ नहीं करते हैं। फॉर सम लाइक कुछ समय के लिए आपको लगता है, कुछ टाइम के लिए आपको लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी जो बाल हैं आपके एक्स्ट्रा जो फेशियल हेयर है वो गोल्डन हो गए हैं, ठीक है, तो वो आपकी स्किन क्लीन लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं ब्लीच के साथ जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। सबसे पहली बात, मुझे ब्रेकआउट बहुत जल्दी मेरी स्किन करती है ब्लीच के साथ। सेकंड की मेरी स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस, यहाँ पे डार्कनेस होने शुरू हो जाती है। अभी बहुत क्लीन हो गई है बिकॉज अभी एक दो साल हो चुके हैं, आई थिंक एक डेढ़ साल हो चुका है मैंने ब्लीच लिटरली मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल भी मैं ब्लीच अपनी स्किन के ऊपर यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। और अब जो मेरे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर है, यहाँ पे हेयर है, यहाँ पे है, मेरे फोरहेड के पास है, यहाँ पे, इनको मैं कैसे रिमूव करती हूँ, या तो आप थ्रेडिंग करवा सकते हैं, अब यहाँ पे तो थ्रेड नहीं करवा सकते हैं। एंड एक सेकेंड थिंग मैं और आप लोग साथ, शायद ये गलतियाँ मैं भी करती थी, वैक्स कभी भी फेस के ऊपर यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आपकी स्किन जल जाती है उसके साथ, चाहे वो दिखे ना कि बर्न हुई है लेकिन अंदर से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली फेस की स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपकी स्किन को जलाने के साथ साथ वो आपको एंटी, आपकी स्किन प्री मेच्योर एजिंग आपको शुरू हो जाती है उसके साथ, आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस, रिंकल्स, आपकी स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप ब्लीच करते हैं वो भी अवॉइड कीजिए, या तो आप स्टॉप कर दीजिए, लिटरली आप अपने फेस के ऊपर वैक्सिंग तो बिल्कुल मत करवाइए, बिल्कुल भी वैक्सिंग इज़ नॉट गुड ऑप्शन। जो मैं ये बहुत पहले करती थी गलतियाँ, अब मैंने स्टॉप कर दी, बिल्कुल छोड़ दी हैं। थ्रेडिंग एक ऑप्शन है बहुत बढ़िया, लेकिन थ्रेडिंग क्या है, आप अपने फोरहेड करवा सकते हो, आईब्रोज को ट्रिम कर सकते हो उसके साथ, अपर लिप्स कर सकते हो, चिन एरिया कर सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एरिया जो हमारा यहाँ पे है, यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे जो बाल होते हैं। और एक और क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में होता है कि क्या शेविंग के साथ हमारे फेस के बाल जो हमारी स्किन की, हमारे फेशियल एरिया उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, एक साल हो चुका है मुझे फेस को शेव करते हुए और मेरी स्किन ने बहुत कम ब्रेकआउट किया है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा आई वुड से क्लीन हो जाती है, डेड स्किन बहुत अच्छे से रिमूव होती है, मेरी स्किन काली नहीं पड़ती है और मेरी स्किन के ऊपर कोई भी ग्रोथ एक्स्ट्रा नहीं हुई है। तो अभी आप लोग मेरी वीडियोस ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली आप लोग देखोगे ही, देखते आए हो, तो अगर मेरी स्किन के ऊपर बाल वगैरह कुछ ग्रोथ, अभी आप देख सकते हैं अभी मेरे को 1 month से ज़्यादा हो चुके हैं अपने फेस को क्लीन किए हुए, मेरे फेशियल हेयर को रिमूव किए हुए, तो 1 महीने तक आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने की, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे साथ आप देख सकते हैं इतनी इतनी ग्रोथ है यहाँ पे हल्की सी और यहाँ पे ये एरिया, यू कैन सी, आई होप यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो भी जस्ट बिकॉज मुझे जो मेकअप ट्यूटोरियल्स शूट करने होते हैं उनके लिए मुझे ज़्यादा नेसेसरी लगता है कि मेरी स्किन एकदम से क्लीन हो जाती है, क्लीन कैनवस बन जाता है, फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और ये वाला एरिया भी। और मुझे अभी क्या है, मुझे बाहर जाना आईब्रोज को करवाने के लिए सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लगता, लाइक इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी, ठीक है, कि मैं बाहर निकलूँ सिर्फ थ्रेडिंग के लिए, ऑब्वियसली मैं घर पे ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए मैं यही बोलूँगी, जिनको ब्लीच सूटेबल नहीं रहती है स्किन के लिए, जिन जो वैक्स तो बिल्कुल ट्राई भी ना करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो दैट्स गुड, अगर आपने की हुई है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे फेस जो रेजर्स होते हैं इनको स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है, ठीक है। बस आपने कुछ प्रिकॉशंस होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कुछ टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, ट्रिक्स फॉलो करनी होती है।
आज मैं यूज़ करने वाली हूँ बॉम्बे शेविंग कंपनी के रेजर। इससे पहले मैं टिंकल वाले यूज़ करती थी जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 100 रुपीज़ में आपको 5 का कॉम्बो मिल जाता है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, नायका से आपको ईजिली मिल जाते हैं, ऑफलाइन लोकल मार्केट से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बार मुझे ये मैंने सुना हुआ था बॉम्बे शेविंग के बारे में, तो मुझे ये वाले ट्राई करने थे। और ये 350 में, 450 इसकी MRP है, लेकिन ये 350 आई गेस मुझे डिस्काउंट के ऊपर मिले हैं। और इसमें 3 आपको मिल जाते हैं, यू कैन सी इसमें आपको 3, यस 3 का इसमें आपको कॉम्बो मिल जाता है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, यू कैन सी। ठीक है, इसमें आपको 3 मिल जाते हैं, ऐसी कुछ आपको पैकेजिंग मिलती है। और अब हम क्या गलतियाँ, कुछ गलतियाँ हम फेस शेविंग के दौरान करते हैं जिसके साथ आपकी स्किन ब्रेकआउट कर जाती है, आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं या आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ पोस्ट भी आपको केयर करनी पड़ती है, पोस्ट शेविंग, प्री शेविंग, ऐसी कुछ केयर करनी पड़ती है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहली बात, आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। अगर आपने अपने फेस को वॉश नहीं किया है, डायरेक्टली अपने फेस के जो अपने फेशियल हेयर है उनको रिमूव करना शुरू कर दिया, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको ब्रेकआउट होगा आपकी स्किन के ऊपर। और डायरेक्टली ड्राई स्किन के ऊपर आपने कभी भी रेज़र यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इतनी स्मूदली ये ग्लाइड ऑन नहीं होता है, तो आपको कट लग सकता है और ब्रेकआउट भी कर जाती है स्किन। ठीक है, और फेस के फेशियल रिमूव करने के बाद आपको अच्छे से टोनिंग करनी होती है, बहुत बहुत अच्छे से। टोनर नहीं है, रोज़ वाटर यूज़ कर लीजिए, वो भी नहीं है, ठंडा पानी, बहुत चिल्ड वाटर आपने स्प्रे बॉटल में डाल के उसको अच्छे से स्प्रे करना अपने फेस के ऊपर। उसके बाद आपने फेस वॉश कर लिया, फेशियल रिमूव कर लिए, फिर से एक बार ठंडे पानी से फेस वॉश कर लिया, बहुत अच्छे से ठंडा पानी फेस के ऊपर स्प्रे किया। उसके बाद कोई मुल्तानी मिट्टी, या फिर अगर आप बिगिनर हो, कोई आप क्ले बेस्ड मास्क बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और डायरेक्टली जब भी फेस रेजर यूज़ करना है उसके बाद आपने कोई केमिकल एक्सफोलिएटर या कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है, आपने लेमन यूज़ नहीं करना है, स्पेसिफिकली विटामिन सी यूज़ नहीं करना है, और कोई भी माइल्ड सा जैसे मुल्तानी मिट्टी या बेसन का कोई भी क्ले बेस्ड जैसे मैंने बोला फेस मास्क लगा लीजिए। और उसके बाद अपनी नाइट टाइम में आप, मैं प्रॉब्लली बोलूँगी अपने फेस को क्लीन करने के लिए, उसके बाद आपने अगर आप नाइट टाइम पे कर रहे हो तो अच्छे से स्किन के ऊपर कोई जेल लगा लीजिए, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अच्छे से कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र ले लीजिए। तो अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ करना होता है टोनिंग करने के बाद। अगर आप दिन में लगा रहे हो, दिन में कर रहे हो अपनी फेस शेविंग, तो आप बहुत बढ़िया एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करोगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें होगी, चलिए यूज़ करते हैं। अब जैसे मेरा फेस वॉश है, और मैंने अभी जस्ट मैंने ग्लो पोशन अप्लाई किया था, ये वाला हाइड्रोपील ग्लो पोशन, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किया था। तो डायरेक्टली अब मैं यूज़ करूँगी ये एलो टर्मरिक जेल फ्रॉम मामा अर्थ, और बहुत सारी क्वांटिटी में लूँगी। ठीक है, तो जनरस अमाउंट में अप्लाई करेंगे, और मसाज नहीं करना है इसको, जस्ट लैदर करना है स्किन के ऊपर, ताकि जो मेरी जितनी भी हेयर है वो भी अच्छे से निकल जाए और मेरा जो रेजर है बहुत ईजीली ग्लाइड हो। एंड एक और चीज़ कि अगर आपके पास ये वाली जेल नहीं है, आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, रोज़ जेल, ककुम्बर जेल। ठीक है, तो कोई जेल यूज़ करनी है आपने, बेसिकली डायरेक्टली ड्राई स्किन के ऊपर आपने नहीं अप्लाई करनी है, रेजर नहीं यूज़ करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, और इसको आप अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, हर बार यूज़ करने के बाद भी सैनिटाइज कीजिए, वॉश कीजिए। जब भी आपने यहाँ पे रेजर यूज करना, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए अपने फेस को। एंड इसको ऐसे नहीं यूज करना है, यू कैन सी ऐसे यूज नहीं करोगे, हल्का ऐसा, इसको ऐसे यूज करोगे तिरछा। कैन यू सी दैट, कितने अच्छे से डेड स्किन भी रिमूव हो रही है, और जो भी एकदम से डेड स्किन लेयर भी रिमूव हो रही है, हेयर्स तो रिमूव हो ही रहे हैं। ओ माय गॉड,
सो नाउ माई स्किन इज लुकिंग सो नाइस एंड क्लीन, यू कैन सी. मतलब मैं हमेशा ऐसे करके इसलिए दिखाती हूँ बिकॉज मेरी स्किन लिटरली बहुत ज़्यादा ग्लो करती है आफ्टर केमिकल एक्सफोलिएशन एंड आफ्टर शेविंग माई फेस. एंड मैंने अच्छे से अपने जो आईब्रोज हैं उनको भी ट्रिम किया है और मुझे किसी पार्लर दीदी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जो कि हमेशा मेरी जो गड़बड़ कर देती थी आईब्रोज की शेप को. और अब आप देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ. मैंने एक आइस क्यूब लिया है, यू कैन सी, एक आइस क्यूब लिया है जस्ट, और इसको मैं अपनी स्किन के ऊपर हल्का सा, अपनी स्किन को थोड़ा सा काम कर रही हूँ. ठीक है, सम टाइम आपकी स्किन थोड़ा सा इरिटेटेड फील कर सकती है, बस इतना ही बहुत है. तो हल्का सा मैंने अपनी स्किन के ऊपर एक आइस क्यूब लेके उसको मसाज किया है एंड दैट्स इट. और अब मैं अपने फेस के ऊपर बहुत अच्छे से दोबारा से यूज करने वाली हूँ ये रोज वाटर. दिस इज फ्रॉम ज्यूसी केमिस्ट्री. एंड दिस इज 100% ऑर्गेनिक बल्जेरियन रोज वाटर. और मैंने अपने अपर लिप्स को इसलिए नहीं किया बिकॉज अभी रिसेंटली ही मैंने अपने अपर लिप्स को थ्रेड के साथ जो हेयर्स है उनको रिमूव किया था. मुझे कहीं अर्जेंटली जाना था और मेरी जो मूछें थी बहुत बड़ी बड़ी दिख रही थी उस टाइम पे. सो यूजली मैं अपने फेस के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है. दिस इज़ बायोटिक बायो क्लोरोफिल ऑयल फ्री एंटी एक्ने जेल एंड पोस्ट हेयर रिमूवल सूदर, यू कैन सी. इसको मैंने रिसेंटली ही यूज़ करना शुरू किया है. इसके साथ मुझे कोई भी ब्रेकआउट नहीं होता है मेरी स्किन में जब भी मैं फेस शेव करती हूँ. एंड ये कुछ इस तरह का आता है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत महंगा नहीं है. और इसको आपने तभी यूज़ करना है जब आपको अपने फेस के चाहे आप थ्रेडिंग यूज़ करते हो, थ्रेडिंग करते हो. ये 199 की है सिर्फ और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर और भी आपको मिल जाती है. और इसको आपने तभी यूज़ करना है जब आपने थ्रेडिंग वगैरह करनी है या फिर आपने ऐसे फेस शेव करना है. यू कैन सी ये कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की जेल है, यू कैन सी. ठीक है, जिसको आपने अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर. कभी भी फेस शेव करने के बाद स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, अच्छे से अप्लाई करनी है कोई जेल जैसे कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ. बस इतना ही करके छोड़ दूंगी. इस ये अपने आप मेरी स्किन में अच्छे से पेनेट्रेट हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी लाइट वेट, तो आपकी स्किन को ऑयली ग्रीजी नहीं बनाता है. ऑब्वियसली दिस इज़ इन अ जेल फॉर्म एंड ऑयल फ्री एंटी एक्ने जेल है, तो एंटी एक्ने है ही है. उसी के साथ साथ ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूद एंड काम करता है. दैट्स इट, बस इतने से जो स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है. ड्राई स्किन के ऊपर रेजर यूज़ नहीं करना है, गंदी स्किन के ऊपर, डर्टी फेस के ऊपर रेजर यूज़ नहीं करना है, एक्टिव एक्ने के ऊपर, पस्टून्स के ऊपर आपने रेजर यूज़ नहीं करना है, पिंपल स्किन है बहुत ज़्यादा आपकी, बहुत जल्दी आपकी सेंसिटिव स्किन है उसके ऊपर रेजर यूज़ नहीं करना है. या आप यूज़ कर सकते हो उसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जहाँ जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बस आपने अपने वहाँ तक के बाल रिमूव करने हैं. ज़रूरी नहीं है आपने पूरे फेस को ही शेव करना है, जहाँ भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा आपके हेयर है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और एलोवेरा जेल लेके, जैसे कि मैंने ये एलो टर्मरिक मामाअर्थ की जेल, ये बहुत बढ़िया जेल है, इसको आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ आपकी स्किन के ऊपर. इसमें टर्मरिक की भी आपको गुडनेस मिल जाती है, तो आपकी स्किन के ऊपर जो टर्मरिक है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती है, गुडनेस आपको मिलती है टर्मरिक की भी. और स्किन को अगर आप दिन में, चाहे आप
चाहे अगर आप यूज़ कर रहे हो रेज़र, तो अगर आपकी जेल थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो आप इसको दोबारा से लेदर कीजिए, ठीक है, लगाते लगाते, या फिर आप उतने उतने पोर्शन में लगाई जाइए जेल, उतने उतने पे आप रेज़र यूज़ कीजिए, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पर कोई भी पिंपल नहीं होगा, एक्ने नहीं होगा, आपकी फेस ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं बढ़ती है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से, आई डोंट थिंक सो। तो थ्रेडिंग भी तो करवाते हैं कि हमारे आईब्रोज की ग्रोथ बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेज़र रूट से आपके हेयर को नहीं निकालता है, वो जस्ट आपके हेयर्स को ट्रिम करता है, ठीक है, और एंड दिस फीलिंग इज सो गुड, सो गुड। और ये नेसेसरी नहीं है, आपके दिमाग में प्रेशराइज नहीं आपने होना है कि हाँ अभी ट्रेंड है या फिर अभी आपने वीडियो देखी है तो आपको फेस रेज़र यूज़ करना है या फेस शेविंग करनी है। ये अगर आपको नेसेसरी लगती है, आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ही आप यूज़ कीजिए। आई मस्ट से फेस शेविंग करने के बाद आपकी स्किन आपको बेबी लाइक सॉफ्ट मिलती है, आपकी स्किन एकदम से क्लीन हो जाती है, मतलब नेक्स्ट लेवल की एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठंडे पानी को बहुत अच्छे से यूज़ करना है फेस शेविंग करने के बाद, एंड चाहे तो आप रोज़ वाटर्स जो हो ऑर्गेनिक वाले, जो ओरिजिनल और यूज़ रोज़ वाटर्स होते हैं, उनको यूज़ करना है। आप मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लीजिए, अभी मुझे कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही है तो मैं नहीं अप्लाई करूँगी। अगर अभी फर्स्ट टाइम रेज़र यूज़ करने वाले हो तो आपकी शायद स्किन थोड़ी सी रेड हो सकती है, तो आपने घबराना नहीं है, अपनी मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर लीजिए, आपका फेस बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हो जाएगा, एंड आपको आपकी स्किन विद इन फ्यू मिनट्स या फिर आप थोड़े टाइम में आपकी स्किन दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप अपने फेस के ऊपर शेव करोगे, अपने जो फेशियल हेयर है इनको रिमूव करोगे, तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे उस चीज़ के, शेविंग के आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कॉमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।